जावरा पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को सबसे बड़ी सौगात बताया है। साथ ही स्टेशन का नाम रानी कमलापति होने पर खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये जिस देश में रह रहे हैं उन्हीं के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। इस वक्त हम मौजूद हैं जावरा के सेमलिया गांव के अंदर और हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से जो भारत के अंदर नामी और सबसे अच्छा जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट की तर्ज पे बन रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? रानी कमलावती स्टेशन बहुत ही बेहतरीन, सभी सुविधा युक्त। आप अगर उसमें वहाँ उतरते हैं तो मौसम के हिसाब से, आप अगर ठंडे तो गर्म पानी, गर्म है तो ठंडा पानी, ऐसी सुविधाएं, मॉल में जाने की सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं जो जुड़ी हुई है। ऐसा ऐतिहासिक स्टेशन मोदी जी कल उसकी ओपनिंग करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश राजधानी में एक ऐसा स्टेशन है जो सर्व सुविधा युक्त स्टेशन होने जा रहा है। मंत्री जी, लगातार हिंदुत्व पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जिस देश में रहते हैं और जहाँ पर जो मूल संस्कृति है, जो ताकत है, और उसके खिलाफ ये बयान देकर अपना की बड़ाई समझते हैं, इससे ज़्यादा दुख और शर्म की बात नहीं है। इनको सोचना चाहिए कि हम किस देश में रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आधुनिक जो बन रहा है, बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है और जिसे देखने के लिए तमाम तरह के लोग आएंगे, ऑटोमेटिक सुविधा उसमें रहेंगी और कल प्रधानमंत्री 15 तारीख को वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ अफसर खान, बंसल न्यूज।